राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस की जन आक्रोश रैली हो रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए पूरे देश से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि मुंबई से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर आ रही ट्रेन सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुंची ही नहीं, जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने रेल मंत्री को फोन कर उनसे शिकायत दर्ज कराई। निरुपम का कहना है कि ट्रेन को सुबह 3 बजे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है कि जानबूझकर ट्रेन को रोका गया हो। रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूदा सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। इस दौरान राहुल यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद दिल्ली में राहुल की यह पहली रैली होगी। पार्टी की तरफ से कहा गया कि समाज का हर वर्ग मौजूदा सरकार की नाकामी और संवेदनहीनता से निराश हो चुका है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और इसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश से पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की यह जन आक्रोश रैली महत्वपूर्ण कर्नाटक चुनाव से पहले हो रही है। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 12 मई को होना है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राहुल इस रैली में केंद्र की बीजेपी सरकार पर उसके अधूरे वादों और बांटने वाली राजनीति को लेकर हमला बोल सकते हैं। ट्रेन का एक हमने नाम रखा, सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी जी की सभा के लिए ट्रेन जा रही है तो इस ट्रेन का नाम भी राहुल जी के ऊपर होना चाहिए, तो श्री राहुल गांधी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। अब चूंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारी एक विचारधारा है, एक सोच है, एक सामाजिक सरोकार है हमारा, और इस नाते सभी जो ट्रेन के डब्बे हैं उन डब्बों को हमने महापुरुषों के नाम दिए हैं,